मैं इसराइल और फलस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी जो हिस्ट्री है और जो इसके डिफरेंट डायनामिक्स हैं जिसपे काफ़ी ज़्यादा बात हो चुकी है मैं उस पर तो रोशनी मजीदी और नहीं डालूंगा इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मगर मैं ये ज़रूर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा कि कोई हम ऐसे सोलूशन दे सकें जिसके तहत जो है इस मसले का कोई एक हल निकाला जा सके तो अंग्रेजी का एक प्रोवर्ब है जनाब चेयरमैन कि पावर रिस्पेक्ट्स पावर पावर डज़ नॉट रिस्पेक्ट रेजोल्यूशंस एंड स्पीचेस तो आपने अगर इसराइल को राह आना है तो वह स्पीचेस से या हमारी जो है करारदादों से तो वो आएगा नहीं क्योंकि उसको ये ज़बान जो है वो समझ में आती ही नहीं है तो अब कौन सा ऐसा लाहमल है हमारी तरफ से जो किया जाए जिसके तहत हम इस मसले को हल कर सकें तो इसके अंदर दो पोटेंशल एरियाज़ हैं एक इसकी ह्यूमैनिटेरियन साइड है और एक जो है वो इसकी मिलट मिलटरिस्टिक साइड है जो ह्यूमैनिटेरियन साइड है जनाब चेयरमैन उसके अंदर गवर्नमेंट की साहब से बहुत ज़्यादा स्पीचेज हुई कि जी हमने बहुत अच्छा काम किया मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहूँगा कि वो ये हमें बता दें कि कितनी एड गाज़ा में गवर्नमेंट ने कमिट की है और कितनी वो भेज चुके हैं क्योंकि देखें बातों से तो ना गाज़ा के लोगों के पेट भरेंगे और ना ही वो रिकन्स्ट्रकट होगा तो आप बजाय इसके अपने नारों में और अपनी तारीफों में बिजी होने के आप सिर्फ़ हमें ये बता देंगे आपने कितनी अभी तक कमिटमेंट की है और कितनी आप भेजेंगे इसी तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 2014 में भी हुआ था इसराइल और गाज़ा का और उसके अंदर एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एफर्ट भी लॉन्च की गई थी पी की गवर्नमेंट की तरफ से और हमने ह्यूमिटेरियन एड भी भिजवाई भी थी उधर तो मुझे उम्मीद है कहते हैं कि गवर्नमेंट इसका हमें जवाब भी देगी और उम्मीद है कि वो ह्यूमानिटेरियन एड भिजवाएगी भी, भी गाज़ा में अब जो दूसरा एलिमेंट है वो मिलिटरिस्टिक एलिमेंट है जिसके ऊपर हमें एज ए नेशन देखना पड़ेगा देखें अभी बहुत सारे लोगों ने ये बात की कि जी मुस्लिम वो एक वो डिफेंस फोर्स बनानी चाहिए या प्रोटेक्शन फोर्स बनानी चाहिए और गाज़ा को जो है या फ़लस्तीियों के कोई डिस्पोजल पे दे, दे देनी चाहिए मुस्लिम उम्मा की फ़ौज इस तरह की बहुत सारी बातें पहले भी होती रही हैं मगर ये मैं समझता हूँ कि बात वो करनी चाहिए जिसका जिसके अंदर कोई प्रैक्टिकल जिसका मामला जो है वो हो सके तो हमास जो है वो हमें ये देखना चाहिए कि इसराइल जो है वो हमारे साथ हम, वो हमारे मुकाबले में हमारे जो दुश्मन है उसको तरह सपोर्ट करता है वो एक हमारे लिए एक अच्छी मिसाल होगी ताकि हम फिर उसी फार्मूले को फॉलो करके हम फलस्तिन को फॉलो कर सकें फ़लस्तिन की सपोर्ट कर सकें तो इसराइल जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टनर है इंडिया का डिफेंस इक्विपमेंट में आफ्टर रशिया 1999 से 2009 तक तकरीबन तक 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 9 अरब डॉलर जो है उसका असला इसराइल ने प्रोवाइड किया है हिंदुस्तान को और अभी भी उनकी जो और उसके अंदर डिफेंस कोलाब्रेशन बड़ी एक्सटेंसिव है उनका एक फैल्खन जो है वो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एक है एक एयरक्राफ्ट है जिससे आप बेसिकली देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कोई मिज़ाइल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे इस तरह के और बहुत सारे एंटी टैंक म्यूनिशन हैं और बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि इसराइल जो है वो प्रोवाइड करता है हिंदुस्तान को तो क्या हम एज पाकिस्तानी हम जो है ऐसी कुछ रेसिप्रोकेशन करते हैं फ़लस्तीन के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि हम उनको कोई अपने टैंक दे दें लेकिन हमास जो है जो लोग थे जिस हमास की जो टोटल तो, तादाद है वो कहते हैं तीस हज़ार है कोई कहते हैं कि चालीस हज़ार है उन्होंने इसराइल का मुकाबला किया उन्होंने तकरीबन चार हज़ार रॉकेट जो हैं है फायर किए इसराइल की तरफ उन लोगों ने उस हमास के खत्ते के अंदर वो रॉकेट ज़्यादातर खुद बनाए हैं सिर्फ क्योंकि वहाँ पर ब्लॉकेड है ना कोई खाना जा सकता है ना कोई और चीज़ जा सकती है टनल्स के थ्रू कुछ इक्विपमेंट जा सकता है लेकिन ज़्यादातर जो है वहाँ पर कोई चीज़ पहुँच नहीं सकती तो जब एक ऐसे लोग जिनके पास ना पैसा है ना उनके पास ना इतने रिसोर्सेज हैं ना कोई साइंस है ना इतनी कोई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फिर भी इसराइल का बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला कर रहे हैं तो क्या हम उनको ऐसी कोई टेक्नोलॉजी दे सकते हैं पाकिस्तानी पाकिस्तानियों पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जिसके तहत वो अपना जो सिस्टम है उनको उनकी एक्यूरेसी बढ़ा सकें या उनकी रेंज बढ़ा सकें तो हमें हमें कोई ऐसे सोलूशन की तरफ जाना चाहिए जो जिसकी जो इम्प्लीमेंटेबल हो क्योंकि हम बहुत सारी बातें करते हैं कि जी ये होना चाहिए वो होना वो एंड में होता जो है वो कुछ भी नहीं है और मेरा ये ख़्याल है कि हमें एक टेस्ट केस बनाना चाहिए या सॉरी हमें एक यूज़ केस बनाना चाहिए इसराइल इंडिया के रिलेशनशिप को अभी जब 2019 में जब में हमारा इंडिया के साथ स्टैंड ऑफ हुआ तो इसराइल ने कहा कि जी हम अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं हिंदुस्तान की अनकंडीशनल जो आपको वेपन चाहिए जो भी चाहिए आप हमसे ले लें इवन इस सथ, इस सद रिपोर्ट हुआ कि जो दो जहाज आए थे जिनको हमने गिराया जिनमें से एक एक जहाज में अभिनंदन था उसमें दूसरे जहाज़ में यह भी कहा गया कि एक इसराइली पायलट था तो मैं मैं ये देखें इसराइल तो उसके जो बस में वो कर रहा है सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं क्या हमारी हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ नहीं है हमारे पास क्या ऐसी इंटेलिजेंस नेटवर्क नहीं है क्या या हमारे पास ऐसे वेपन सिस्टम नहीं है जिन जिनको हम जिनकी टेक्नोलॉजी एटलीस्ट हम ट्रांसफ़र कर सकें या हम उनको ट्रेनिंग ही दे सकें तो मेरा ये ख्याल है कि हमारी तमाम करारदादें और हमारी तमाम रेजोलूशन और हमारी तमाम तकरीरें जो हैं वो उस एक रॉकेट जो जो हमास मारता है इसराइल पर उसकी उस वैल्यू उनसे कम है और वो जो एक रॉकेट है उसकी कीमत जो है वो पाँच से दस हज़ार डॉलर डिपेंडिंग क्या रेंज है और कितनी उसकी वो है वो है तो अब अब इसके अंदर मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये कि हमें इसकी तरफ देखना पड़ेगा अगर अगर हम इस अगर हम इस, इसका कुछ सलूशन चाहते हैं क्योंकि इसराइल को सिर्फ एक ही ज़बान समझ में आती है और वह ताकत की समझ में आती है तो मैं अपनी तकरीर जो है वो कंक्लूड इकबाल इकबाल के शेयर से करूँगा कि है जुर्म ज़यीफ़ी की सज़ा मर के मफ़ाज़ात तो क्योंकि हम कमज़ोर हैं तो हम पे ज़ुल्म होता है अगर हम कमज़ोर ना हो हमें हम इतनी ताकत हो कि हम ख़ुद भी अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकें और अपने मुसलमान भाइयों को भी कर सकें तो ये मसला कभी सर ही ना उठाए तो मैं ये उम्मीद करता हूँ हुकूमत से भी और मैं बाकी अपने कुलीग से भी कि बजाय इसके कि हम खाली करारदादे पेश करें हम एक ऐसा डिफेंस कोलैबोरेशन या हम कोई ऐसा डिफेंस कोलैबोरेशन की तरफ मामला लेके जाएं जिसके तहत हम उनकी एक्चुअली जो है वो मिलटरीली भी हेल्प कर सकें और ह्यूमैनिटेरियन लेवल के ऊपर भी हेल्प कर सकें थैंक यू जनाब थैंक यू जी जनाब ताज हैदर साहब शुक्रिया जनाब अली आ, कल से ये मौजू चल रहा है और कल भी मैं पूरे वक्त बैठा बैठा यहाँ पे और जो मौजूद जकर अरकान यहाँ तकारीर कर रहे थे आ, मुझे कहना है कि इससे पहले दो दफ़ा मुकद्दस में सखरा के, के इर्द गिर्द आग लगाई गई किसी को खबर नहीं हुई इस दफ़ा जब हरब रमजान अस्थानी में आग लगी तो सारी दुनिया में लाइव स्ट्रीमिंग बच्चियां और बच्चे कर रहे थे वहां से इसलिए मजालिम छुप नहीं सकते और मेरा पैगाम यह है कि टैंक आगे बढ़े या पीछे हटें कोख धरती की बांझ होती है बम घरों पर गिरे या मसलक की मस्जिद की या सरहद की तीनों सूरतें आप लगा सकते हैं जिंदगी महियतों पर रोती है इसलिए ए शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है पाकिस्तान जिंदाबाद फलस्तीन जिंदाबाद गजा जिंदाबाद उम्मा जिंदाबाद